एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शुमित कहती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के बारे में, चाहे आप क्लास 10 से हो या फिर क्लास 12 से। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे बात करनी है वो ये है कि आखिर ये जो हमारे एग्जाम्स है उसमें MCQs आते कहाँ से हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेल इनटू दिस वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी, क्लास 12 वालों के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी, हमारे लाइव सेशंस होंगे और डाउट सेशंस होंगे और बहुत कुछ मजा आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नोट दिए जाएंगे वो आपको डिजिटल नोट्स दिए जाएंगे एंड समराइज नोट्स दिए जाएंगे। सो इफ यू वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाओ, कॉन्टैक्ट करो एंड जस्ट आस्क अबाउट इट, एंजॉय इट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर MCQs हमारे आते कहाँ से हैं। देखिए, किसी भी किताब में और जब हम पेपर देते हैं ना, तो सबसे पहले जो नहीं पढ़ते बच्चे उनका यह है कि यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। मतलब मैंने कई बार देखा है कि यूजुअली हम डायरेक्ट यही बोल देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, मैम आपने ये पढ़ाया नहीं। खैर, ये 10th तक अच्छी बात है, लेकिन 12th वाले बच्चे शायद ये नहीं बोलेंगे, उनको क्योंकि ये पता नहीं रहता है कि ओ माय गॉड दिस टॉपिक इज फ्रॉम माय बुक। मतलब ऐसा भी था, हमने कभी गौर नहीं किया। वैसी तो पहली बात, MCQs जो आते हैं वो आपके बुक से ही आते हैं, और स्पेशली मैं CBSE बोर्ड की बात करूँ, मैंने ज़्यादातर देखा है कि कभी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बनाते हो, इवन बनाते हैं, मतलब रेयरली एक दो क्वेश्चन, दैट्स इट। तो फिर इनका पूरा का पूरा कंटेंट कहाँ से आता है? स्ट्रेट चैप्टर सब बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चों को पता है स्ट्रेट चैप्टर पढ़ के क्वेश्चंस जो आपके इंटेक्स लिए रहते हैं आप वो करते होंगे, नहीं करते तो वो करना शुरू कर दो, क्योंकि CBSE का सिंपल फंडा है, वो देती वही है जो आपने अवॉइड किया हो। सबसे ज़्यादा जिंदगी में स्टूडेंट की अगर अवॉइडेंस किसी ने झेला है तो हर उस चैप्टर के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, जिनको ऐसे देख करके ये कौन सा आना है, लास्ट 10 ईयर उठाओ वैसे करके, तो वो ट्रबल करते हैं। ठीक है, दूसरी मतलब मैंने देखा है CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर देती है। 12th के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं भाई, 10th में तो कई बार होता है, 12th की बात कर रही हूँ जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और वो कई बार मतलब बड़ा सिंपल सा जो हमारे टेक्स्ट में दिया है हमने उसको ध्यान नहीं दिया, वही आकर उनको एग्जाम में परेशान करता है। और जो MCQs है, ये बात आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, आपका जो बॉक्सेस रहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके चैप्टर में जो इधर उधर बॉक्सेस में होगी, बबल्स में होगी, पूरे समराइज करके टाइमलाइन वगैरह दी होगी, आपको वो ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे एक्चुअली गिव, दैट्स व्हाट, बिकॉज उनका उनका क्या है, मेन मकसद है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चैप्टर के बारे में इन डेप्थ पढ़ा पाए, आपको समझा पाए, हालांकि हम तो इग्नोर करते हैं उन सबको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स, नॉट द मेन चैप्टर। मेन चैप्टर क्वेश्चन करते करते आ जाता है यार, और वो चैप्टर आप इधर उधर से इतना पढ़ लेते हो, क्लास में इतनी बार हो चुका होता है, टेस्ट वगैरह देते हो तो आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम इन टू रीडिंग दोज बॉक्सेस एवरी टाइम। मेरे ज़्यादातर वीडियोज में कहती हूँ कि वैसे सो बेसिकली NCERT 3 से 4 बार पढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे बोल रही हूँ मैं कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपके पास टाइम कम बचा है, जाओ आसपास के जो बॉक्सेज है वो देखो। एंड सेकेंडली, स्टार्ट क्रिएटिंग क्वेश्चंस, आंसर मत देखो। मतलब आपने देखा होगा कई बार क्लास में बच्चे टीचर से बहुत ऊटपटांग का सवाल पूछ लेते, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, और टीचर हमेशा ये बात कहकर उनको बिठा देता है कि तुम्हारा सवाल ही बेकार है। कोई सवाल बेकार नहीं होता, हालांकि आंसर बेकार हो सकता है, कोई सवाल बेकार नहीं होता, लेकिन तो आप मैंने ये वाली टेक्निक अपनाई है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, कि मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया स्पेशली वो बॉक्सेस को पढ़ते हुए। जैसे बॉक्स पढ़ रही हूँ, ठीक है, 6 से 7 लाइन का बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने उससे 8-9 क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए। मतलब आपको जिस तरीके से आप कर सको, फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, मैं पूछ सकती हूँ कि आपके माँ के बेटे का नाम क्या है या बेटी का नाम क्या है जो कि आप हैं, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके फादर के बेटे और बेटी का नाम क्या है, आपके दादाजी दादी की पोते पोती का नाम क्या है। अब मैं पूछ क्या रही हूँ इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली आप ही का नाम पूछ रही हूँ ना, तो आई कैन आस्क यू दैट व्हाट इज़ योर नेम, आई कैन आस्क दैट कि व्हाट्स योर मदर्स चाइल्ड नेम। तो इन दिस वे यू आर सपोज टू टैकल दैट, एंड ट्रस्ट मी दैट दिस वर्क्स।
दिस वर्क एवरी टाइम, दिस वर्क फॉर मी स्पेशली एमसीक्यू के लिए तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको बड़े आंसर नहीं देने, आपको वन वर्ड देने हैं. तो दिस वर्क डेफिनेटली, दिस वर्क एंड स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम एंड डूइंग स्टडीज लाइक दिस. आई होप दैट दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू. इफ सो देन प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अच्छे से ये बात समझ सके कि कोई आपसे अगर इनडायरेक्टली इस तरीके से सवाल पूछ रहा है तो आंसर क्या देना है. खैर, ये सीबीएसई करती है. सीबीएसई नोज दैट हाउ टू प्ले विथ चाइल्ड्स इमोशन बाय पोस्टपोनिंग द डेट्स ऑफ एग्जाम्स, डेट ऑफ रिजल्ट एंड ऑल दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना चाहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वट काइंड ऑफ अ टिप यू वॉन्ट मी टू शेयर. आई वुड डेफिनेटली शेयर.